अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर ऑन चैनल जेकेनीट एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में हैं उनमें एडमिशन को लेकर बात करेंगे। अभी रिसेंटली जो आपका एंट्रेंस हुआ है 19th of November 2020 को, जिसमें आपको डिफरेंट कॉलेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग के सभी कॉलेजेस जो हमने डिस्कस किए थे आपके साथ उसके लिए जो है एडमिशन मिलने वाली, और पैरामेडिकल कोर्सेज जिसमें डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज है वो भी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी किया है आपसे बात उसके लिए, मतलब किए हमने बात। अब जो है सभी कैंडिडेट्स ये जानना चाहते हैं कि रिज़ल्ट कब तक होगा और उसके लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर हम उसी को लेकर बातचीत करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो यहाँ पर आपके पास जो है बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। सभी कॉलेजेस में इस बार जो है आपको एडमिशन मिलने वाली बोपी की तरफ से। और यहाँ पर हम बात करें अगर, तो आपको स्कीम्स में भी जो 650 सीट्स मिलेंगी उसमें भी जो आपके एडमिशन मिलेगी वो भी आपको इसी के थ्रू, बोपी के थ्रू मिलने वाली है, ठीक है ना। और बाबा गुलाम शाह बादशाह नर्सिंग जो कॉलेज हैं जो किश्तवाड़ में है, जम्मू में है, तो या फिर राजौरी में है, जो सभी में आपको इसी के थ्रू, बोपी के थ्रू एडमिशन मिलने वाली है। बाकी टोटल सीट्स की बात करें तो 1000 ये वाली सीट्स, और कठुआ में भी कोई एक कॉलेज है उसमें भी 60 सीट्स उसमें भी हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपके पास कितनी सीट्स हैं, ठीक है ना। 1060 सीट्स जो हैं आपके पास हैं, तो उसमें कट ऑफ अब क्या रहने वाला है। सीट्स बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सीट्स हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स के लिए क्या कट ऑफ रहेगा और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, वो भी हम यहाँ पर आपसे बात कर लेते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए पहले यहाँ पर देख लीजिए कॉलेज कौन कौन से हैं। नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू, जो नर्सिंग कॉलेज गंग्याल जम्मू है, और काफ़ी ज़्यादा बाकी जो कोर्सेज हमने आप सबसे डिस्कस किए हैं उनमें आपको एडमिशन मिलेगी। और यहाँ पर पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे आप बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आप जो है वो एडमिशन लेंगे, और टोटल यहाँ पर 223 सीट्स आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, डोडा, राजौरी, कठुआ, जम्मू में सभी कॉलेजेस में आपको इसके लिए सीट्स हैं, 20-20 सीट्स हैं इसकी जो पैरामेडिकल कोर्सेज है, जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए स्किम सोरा में है। उसके बाद बाकी और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। टोटल आपको 223, तो इसके लिए जो है वो मिनिमम कट ऑफ रहेगा, हम कह सकते हैं अप्रॉक्स आपका 60 भी रह सकता है, ठीक है ना, 60 के लगभग। तो इसके लिए, उसके बाद जो है वो बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको, आपके पास काफ़ी सीट्स हैं, 195, तो इसके लिए भी इसी के अराउंड 60-65-70 ऐसे अलग अलग कैटेगरी ओपन के लिए अलग रहने वाला है। तो इस रेंज में जो है आपको ये मिल सकते हैं, और जो ये पैरामेडिकल कोर्सेज है इनके लिए कट ऑफ थोड़ा कम भी रह सकता है एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग। तो नर्सिंग के लिए काफ़ी हाई कट ऑफ रहेगा, तो वो देख लेते हैं हम नर्सिंग के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है इस बार आपका। पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो काफ़ी अलग अलग से, मतलब कोर्स हैं, आपने फिल किया होगा, आप इंटरेस्ट के हिसाब से आप जो है काउंसलिंग के टाइम जो है वो चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं आप कि किस में कौन सा कोर्स आप चूज़ करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स है जिसमें आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। वो काउंसलिंग के वक्त आपको जो है अपने प्रेफरेंसेस देने होंगे, फिर उसी के बेस पर जो है वो कितने कैंडिडेट्स जो है वो चुनते हैं उस चीज़ को, उस कोर्स को, तो उसी के हिसाब से फिर मेरिट के हिसाब से जो जिनके मार्क्स बनते होंगे, जितनी सीट्स होंगी उसी के हिसाब से आपका जो है कट ऑफ तैयार होगा कि मिनिमम कितने मार्क्स पर जो है वो आपको ये मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें आप ये स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कौन कौन से जो है वो कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, फिजियोथेरेपी, बीएससी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं आप, बीएससी रेडियोथेरेपी कर सकते हैं आप, रेडियोथेरेपी एंड रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब इस तरह से कोर्सेज हैं कुछ, न्यूरो साइंसिस टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी बीएससी कर सकते हैं आप, उसमें रेडिएशन टेक्नोलॉजी में बीएससी कर सकते हैं, इसके लिए भी कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है ना। तो 8 टोटल सीट्स, तो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाला है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग के लिए कट ऑफ जो है वो ओपन मेरिट के लिए आप, हम कह सकते हैं कि काफ़ी सीट्स हैं, लगभग 1000, तो इसमें गवर्नमेंट सीट्स जो हैं उसके लिए आपका कट ऑफ 90-95 से अबव रह सकता है, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पर वैसे तो हम बात करें अगर तो 130-120 इस तरह से कट ऑफ रहता था, वो तो MBBS के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन तब की बात है ये, जब 300 सीट्स हुआ करती थी। लेकिन हम अभी की बात कर रहे हैं, अभी क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें आपका कट ऑफ जो है, क्योंकि ये टाइम भी बहुत कम था, तो जिन स्टूडेंट्स ने टारगेट किया हुआ था, क्योंकि पहले जो भी बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते थे स्टूडेंट्स, जैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी होगी, स्कीम सोरा में, उसके लिए अलग से इंट्रेंस था, और इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम वो रहता है उसका लेवल, उन इंट्रेंसेस का जितने भी पेपर थे, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा उनका लेवल कम रहता था एज़ कम्पेयर टू बोपी जो कंडक्ट कर रहे हैं इंट्रेंस उसके। तो हम कह सकते हैं, अब मैं जो ये कह रहा हूँ कि यही कट ऑफ होगा, तो एग्जैक्ट यही मार्क्स नहीं रह सकते, इसमें से ऊपर नीचे रह सकता, बस एक जो है हम कह सकते हैं, एक गैस कर सकते हैं हम, ठीक है ना, अंदाजे से गैस करके हम बता सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं कि ये कट ऑफ रह सकता है ओपन मेरिट के लिए, ठीक है ना। अब जो है वो इसकी जो है मेरिट लिस्ट आ जाए, उसके बाद अगर दोबारा से अगर मतलब कैटेगरी वाइज सीट्स जो है डिवाइड होती हैं, फिर तो हम क्लियरली पता कर सकते हैं, काफ़ी हम एक्यूरेट कट ऑफ को टच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो है वो कट ऑफ को गैस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा डिले कर रहे थे हम वीडियो को, वीडियो पर भी, फिर भी हमने सोचा चलो वीडियो जो है वो बनाई जाए, इसके ऊपर बातचीत की जाए आपके साथ। तो ओपन मेरिट के लिए 90 प्लस जो है कट ऑफ रहता था, 95 जो है वो कट ऑफ रहता था ओपन के लिए, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो। तो उसी तरह फिर RBA EWS कैटेगरी की बात करें तो 10% रिजर्वेशन को लेकर बात करें तो अप्रॉक्स 85-80 इस तरह से कट ऑफ रह सकता है RBA का, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है करें तो ये 70 की रेंज में रहेगा, 75-70 या फिर 78 इस तरह से कट ऑफ रह सकता है BSc नर्सिंग के लिए, ठीक है ना। और जो प्राइवेट जो है प्राइवेट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका जो है गवर्नमेंट से जो है वो कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह फिर जो दूसरी कैटेगरीज है, काफ़ी हमारे पास जम्मू कश्मीर में जो है बहुत सारी कैटेगरीज है, JKPM होगी, बाकी बहुत सारी, अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज रहती हैं उसको लेकर भी बात हम सोच सकते हैं, फिर अलग से एक जो है कट ऑफ तैयार किया जा सकता है। ALC के लिए कट ऑफ जो है वो ALC होगी, या फिर आपकी पहाड़ी स्पीकिंग कैटेगरी OSC जिसमें OBC, इन सभी की जो है रिजर्वेशन अप्रोक्स 4% है, तो उसको हम देखते हुए कह सकते हैं भाई 75-70 इस तरह से कट ऑफ रह सकता है, 75 या 78, तो इस रेंज में जो है इन कैटेगरीज का जो है वो कट ऑफ रह सकता है। ST SC से थोड़ा ज़्यादा रहेगा इनका पहाड़ी स्पीकिंग का, और जो OBC आगे, OSC में आगे, या फिर आपके जो ALC वाले आगे जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी, तो उनका कट ऑफ जो है SC ST से ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि SC जो है वो अप्रोक्स 8% है, ST जो है 10% है, तो इस तरह से जो है वो इनका कट ऑफ कम रहता। उसी तरह EWS और RBA का थोड़ा क्या है कि कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इनका कट ऑफ जो है इन कैटेगरी से भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि बेशक हम बात करें अगर प्रीवियस ईयर की, तो MBBS की बात करें तो 20% रिजर्वेशन रहने, जब पहले 20% रिजर्वेशन थी, जैसे इस बार भी नीट में 20% रिजर्वेशन है, तो उसमें भी तब भी इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन होने के बावजूद भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता था एज़ कम्पेयर टू दूसरी कैटेगरीज, चाहे उनमें कम परसेंटेज कम सीट्स हुआ करती थी, फिर भी उनका कट ऑफ जो है उनसे RBA से कभी कभी कम था, मतलब होता था कम। तो वो यही है कि उसमें कंपटीशन कम था, ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, और जिसकी वजह से कट ऑफ राइज कर जाता था, ठीक है ना। तो ये हम एक गेस कर रहे हैं कि ये इस रेंज में रह सकता है नर्सिंग के लिए कट ऑफ। बाकी अगर बात करें हम पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो उसके लिए कट ऑफ कम जाएगा, और वैसे भी इस बार क्योंकि कैंडिडेट्स को पता नहीं था और अचानक से जो है ये इंट्रेंस जो है वो कंडक्ट किया गया है, तो एक पता भी नहीं था पहले किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है ना। तो उतना मतलब क्योंकि कैंडिडेट्स ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरा था नर्सिंग के लिए, और उन्होंने कैंसिल करके फिर BOPEE की तरफ, उन्होंने कहा था कि BOPEE के थ्रू ही एडमिशन होगी, तो वो उसको देखते हुए तो कट ऑफ जो है इस बार ज़्यादा राइज नहीं करेगा। तो देखते हैं आप क्या कट ऑफ रहेगा, क्योंकि जल्दी ये इंट्रेंस हो गया, कम टाइम था, लिमिटेड टाइम था, उसमें कैंडिडेट्स जो है सभी वो प्रिपेयर भी नहीं कर पाए, तो ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगा इस बार ये देखते हुए, क्योंकि ये जो कुछ फैक्टर्स हैं ये काफ़ी असर करेंगे, काफ़ी इफेक्ट करेंगे इसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। लेकिन अब हमें इंतज़ार करना होगा कि कब तक रिज़ल्ट आता है, और उसके बाद जो है अगर मेरिट लिस्ट आती है तो उसके बेस पर हम देखते हैं क्या रहेगा कट ऑफ, ठीक है ना।
तो दोस्तों ये हमने कुछ किया, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में देखा हमने कि क्या कट ऑफ रह सकता है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, तो देखते हैं अब कट ऑफ क्या रहेगा एग्जैक्ट, तो वो हमें उसके बाद ही पता चलेगा। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी। और जो कैंडिडेट्स अगली बार के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उनको बता दें कि अब जो है आपका मे बी आपके मार्च से इसके लिए फॉर्म दोबारा से फिल हो मार्च, तो आपका मई या मई से पहले पहले आपका इसका एंट्रेंस होगा नेक्स्ट, क्योंकि इस साल के बाद जो भी आपकी बीएससी में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन जो है वो बोपी के थ्रू ही होगी, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। और आप मतलब इस चैनल पर हमने वो अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिए हमने वीडियो बनाई है उस पर, और हमने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप जाकर वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है केमिस्ट्री को लेकर, केमिस्ट्री पोर्शन से, और हमारे मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं, तो आप अगर वो मटेरियल अगर आप अच्छे से वही पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है उसी से, ठीक है। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में लेकर आते हैं कुछ और मटेरियल भी और कुछ और इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।